हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BPCL के बारे में। अभी तकरीबन 2:56 होना ही है और 4.5% के आसपास की गिरावट BPCL में देखने को मिल रही है। तो इतनी भारी गिरावट के पीछे दो बड़ी खबरें निकल के आई है और इन दोनों खबरों के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे और खबरों के चलते आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे और आज देखा तो 11 बजे के बाद आप देख सकते हैं हमें इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ BPCL नजर आ रहा है 430 के आसपास और कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो अगर इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई तो मुझे लगता है कि कल आपको यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो खबरों के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है तो दोस्तों अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है और मेरी राय रहेगी कि ये बढ़िया मौका है खरीदारी करने का। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए, आप जितना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसका 20-30% के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और गिरता है तो और खरीदारी करनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। अभी जिस तरह से बाजार में हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुके तो खरीदारी करने के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है दोस्तों। तो जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे एक ऐसी खबर निकल के आई है कि ग्लोबली देखा जाए तो ऑयल की जो डिमांड है वो कम हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके चलते US के मार्केट में भी देखा जाए तो क्रूड के जो स्टॉक्स थे, ऑयल एंड क्रूड में जो स्टॉक थे उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि ग्लोबली ऑयल की डिमांड कम हुई है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कहीं ना कहीं IOC, ONGC, BPCL जैसी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि यूरोप कंट्री में तो काफ़ी बड़ी दोस्तों गिरावट हुई है डिमांड में, ऑयल की डिमांड में। और साथ में देखा जाए तो BPCL के मैनेजमेंट की ओर से जो डिविडेंड को लेकर जो अनाउंसमेंट आया वो बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी कम देखने को मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आया है और बताया जा रहा है कि BPCL शेयर प्राइस फॉल 4% आफ्टर कंपनी डिक्लेयर सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पे जो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट आया वो आप देख सकते हैं, पर शेयर सिर्फ 5 रुपये का डिविडेंड दिया, जिसके चलते आज हमें BPCL में भारी गिरावट देखने को मिली, जो कि बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था वो तकरीबन 25-30 रुपये के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, तो उससे काफ़ी कम यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से दोस्तों डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इसके चलते हमें आज भारी गिरावट BPCL में देखने को मिल रही है और साथ में एक बढ़िया पॉजिटिव खबर भी दोस्तों देखने को मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हम टाइम ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और बताया जा रहा है कि BPCL इन्वेस्ट 272 करोड़ इन स्टेट फॉर इंफ्रा अपलिफ्ट। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं, तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और जैसा कि यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल और कोलकाता यहां पे दो यूनिट है BPCL के, जैसा कि आप देख सकते हैं MS एंड HSDA दो यूनिट है जहाँ पे BPCL तकरीबन 272 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है और इससे कहीं ना कहीं जो ये दोनों यूनिट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्लानिंग है और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स होने वाला है BPCL की ओर से। तो इस तरह की यहाँ पे एक खबर निकल के आई है और जो कि काफ़ी पॉजिटिव खबर है दोस्तों। ये तो एक तरफ नेगेटिव खबर, दूसरी तरफ पॉजिटिव खबर, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं BPCL जो बेस बना रहा है वो अभी फ़िलहाल 430 रुपये के आसपास बेस बन चुका है। अगर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलती है और आज इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ पर 430 के ऊपर आज क्लोजिंग दे दी तो हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिलते हैं। और आज के कारोबार की बात करें तो कारोबार भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर आया है और BPCL को सर्च करके रखा हुआ है और अभी तकरीबन 19 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन 453 रुपये 85 पैसे पर प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी और हमें जो ओपनिंग देखने को मिली और 442 रुपये पर, यानी 10 रुपये के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। हाई बनाया 446 रुपये का, लो की बात करें तो 432 रुपये का लो देखने को मिला और ऑलमोस्ट लो के आसपास ही हमें यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अभी तकरीबन 3 बज के
15 मिनट होने आई है और यहाँ पे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो तकरीबन आप देख सकते हैं 2,23,40,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से डलोबल क्वांटिटी की बात करें तो 1,11,48,000 क्वांटिटी डलोबल क्वांटिटी नज़र आ रही है। डलोबल परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 50% के आसपास के डलोबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते दोस्तों अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी गिरावट हुई है फिर भी दोस्तों ज़बरदस्त खरीदारी नज़र आई है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि खरीदारी करने के लिए बढ़िया मौका है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको बाय करनी चाहिए। अब हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि आगे किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं BPCL का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़ीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तकरीबन 431 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है BPCL और 430 के सपोर्ट लेवल को अभी भी होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बाज़ार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करूँ तो तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, फिर भी 430 के आसपास हमें संभलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मुझे लगता है कि उसके नीचे जो दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 425 का और उसके नीचे 416 का। तो नीचे के लेवल पे दो सपोर्ट लेवल को वॉच आउट कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ से इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी BPCL ने तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसी सपोर्ट के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो तकरीबन पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 442 का और उसके ऊपर 452 का। तो ऊपर के लेवल पे दो रिसेंटली रेजिस्टेंस लेवल को वॉच आउट कीजिए। जैसे ही दोस्तों 460 के ऊपर निकलता है, 66 के ऊपर निकलता है तभी आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर 482 का, जो कि रिसेंटली 482 तक का हाई भी बनाया था और वहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी करेक्शन नज़र आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जितना पैसा है वहाँ पे आप लगा दो, थोड़ी क्वांटिटी बाय करें। अगर और यहाँ से गिरावट देखने को मिलते तो और थोड़ी क्वांटिटी बाय करें, इसी तरह से दोस्तों आपका एवरेज भी मेंटेन रहेगा और ज़्यादा आपको लॉस भी होगा नहीं, और थोड़ी बहुत भी हमें तेज़ी देखने को मिली तो आपका अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल जाएगा। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।